हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन, जिसका नाम है डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, डिक विटिंगटन एक लड़के का नाम है, ठीक है, छोटे से लड़के का नाम है। एंड हिज कैट मतलब उसकी कैट, कैट यानी मनी हम बोलते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के रिश्ते के बारे में और उन दोनों का कैसे रिलेशन बताया है वो इस लेसन में अच्छी तरह उन्होंने बताया है। एक्चुअली डिक विटिंगटन एक बहुत गरीब लड़का है, ठीक है, उसके मम्मी डैडी भी नहीं है, ठीक है, और उसका कैट उसको मिलने के बाद कैसे उसमें बदलाव होता है वो पूरा स्टोरी में आपको बताया है, ठीक है। तो स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन चालू करते हैं। आज का पहला वीडियो लेक्चर है, उसमें थोड़ा पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं लेसन को। फर्स्ट पैराग्राफ है, देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लाइव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो देयर वॉज अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन, मतलब वहां पे एक डिक विटिंगटन नाम का एक पुअर मतलब गरीब लड़का रहता था, ठीक है। कहाँ पे रहता था? स्मॉल विलेज में, छोटे से गांव में रहता था। कहाँ पे? इंग्लैंड, साउथ इंग्लैंड के, साउथ ऑफ इंग्लैंड बोला है, तो इंग्लैंड के साउथ भाग में, दक्षिण भाग में एक छोटे से गांव में डिक विटिंगटन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। आगे बोला है, ही हैड नो प्रॉपर होम, उसका कुछ खुद का घर नहीं था। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड, मतलब उनके जो डिक विटिंगटन है उसके दोनों पेरेंट्स जो है, बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स मतलब मम्मी डैडी दोनों डाइड हो गए, मतलब नहीं है अभी इस दुनिया में, ठीक है। एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स, और विलेज में, विलेजर्स मतलब गांव के लोग, ठीक है। तो विलेज में जो भी लोग थे उसको, वो जो लोग है वो जो डिक विटिंगटन है उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, अनकाइंडली ट्रीट करते थे, मतलब प्यार से तो उसके उससे कोई बात नहीं करता था, ठीक है। और क्या बोला है उन्होंने, वन डे डिक ओवरहियर्ड समवन से दैट द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन वेयर पेव्ड विथ गोल्ड एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस एंड पिक हिज फॉर्चून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही वेयर रिच, ठीक है। बड़ा सा लाइन है, ठीक है, मतलब बता देता हूं आपको। एक दिन क्या हुआ, तो डिक विटिंगटन जो है उसने किसी से सुन लिया, क्या सुना, कि ये जो लंदन का मेन जो लंदन है, ठीक है, वहां का मतलब लंदन शहर जो है वहां पे सब जगह गोल्ड जो है, सोना जो है सब जगह फैला हुआ है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जाके हम गोल्ड लेके आ सकते हैं, ऐसा विचार डिक विटिंगटन के मन में आ गया, ठीक है। और उसने क्या सोचा कि उसने डिसाइड किया कि मैं वहां पे जाऊंगा एंड क्या करूंगा, पिक हिज फॉर्चून, मतलब अपना फॉर्चून जो है, फॉर्चून यानी नसीब, अपना नसीब वहां पे जाके वो ढूंढ लेगा, ठीक है, और गोल्ड पीसेस को इकट्ठा करके लेके आएगा, ठीक है। ऐसा उसने क्यों सोचा, क्योंकि उन्होंने लास्ट लाइन में बताया है कि अगर उसके पास गोल्ड आएगा मतलब वो थोड़ा अमीर बन जाएगा, बराबर रिच पर्सन बन जाएगा, तो क्या होगा, गांव के जो लोग है, विलेजर्स जो है वो क्या करेंगे, काइंडली उसके साथ बिहेव करेंगे, बराबर। सेकंड पैराग्राफ क्या है, सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंडन, तो यंग डिक मतलब एक यंग छोटा सा लड़का है जो डिक नाम का, वो चलने लग गया लंदन जाने के लिए, ठीक है। वो तो बहुत गरीब है तो गाड़ी या किसी से जा नहीं सकता वो, इसलिए वो चल के जाने के लिए उसने शुरुआत की। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन अ मैन इन अ कार्ट स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हिम इफ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा दूर गया भी नहीं था,
चलते चलते जा रहा था, ज्यादा दूर गया भी नहीं था, तो बाजू में एक कार्ट वाला आ गया। कार्ट यानी घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसी कार्ट आ गई, ठीक है। तो उस और रुक गया कार्ट वाला, और उसने पूछा उसको कि तुम घर से भाग के तो नहीं आए हो ना। अभी छोटा लड़का कहीं पे भी सुनसान जगह पे मिलेगा तो कोई भी उसको यही सवाल पूछेगा कि तू घर से भाग के तो नहीं आया, ठीक है। अभी उसका जवाब देखो क्या है। आई हैव नो होम, मेरा कोई घर नहीं है, डिक आंसर, डिक ने उत्तर दिया, बराबर। आई एम ऑन माई वे टू लंडन टू फाइंड माई फॉर्चून, मैं अपने रास्ते में हूँ लंडन जाने के, और किस लिए जा रहा हूँ मैं वहां पे, अपना फॉर्चून ढूंढने के लिए। फाइंड मतलब ढूंढना, बराबर, फाइंड माई फॉर्चून मतलब अपना नसीब ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया है, दो लाइन का छोटा सा पैराग्राफ है। आई एम गोइंग टू लंडन माई सेल्फ, सेड द कार्टर। कार्टर ने क्या बोला कि मैं भी खुद लंदन ही जा रहा हूं, बराबर। जम्प अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। तू क्या कर, जम्प करके मेरे बाजू में आके बैठ, ठीक है। कार्टर बोल रहा है कि जम्प करके मेरे बाजू में आके बैठ और हम दोनों एक साथ जर्नी करेंगे। टुगेदर मतलब एक साथ, बराबर। जर्नी मतलब प्रवास, बराबर। अपना जो प्रवास है, जर्नी जो है, एक साथ करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, दे अराइव्ड इन लंडन, ओ लंडन में आ पहुंचे, जस्ट बिफोर नाइट फॉल, मतलब रात होने से थोड़ा पहले, बराबर। रात होने ही वाली थी, नाइट फॉल होने वाला था, तब उसके थोड़ा पहले वहां पे बिफोर पहुंच गए। एंड द कार्टर लेफ्ट डिक, डिक को उसने वहीं पे छोड़ दिया कार्टर ने, क्योंकि उसको थोड़ा आगे जाना होगा, ठीक है। मेन लंदन शहर में डिक को उसने छोड़ दिया वहां पे, एंड मेड हिज वे टू एन इन, और वो इन में चला गया। आई डबल इन बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आई डबल इन इन का मतलब होता है होटल, मतलब जहां पे लॉज रहता है, जहां पे जाके रह सकते हैं हम, ठीक है। तो वो जो कार्टर है वो लॉज में चला गया या फिर होटल में रहने के लिए चला गया, ठीक है, और डिक को छोड़ दिया उसने वहीं पे। पुअर डिक स्टूड अलोन, ये जो गरीब डिक था, पुअर था डिक, ठीक है, वो वहीं पे खड़ा रहा, स्टूड अलोन, अलोन मतलब अकेला ही वहीं पे खड़ा रहा, एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे, और इधर उधर देखने लग गया, ठीक है। लुक्ड अराउंड मतलब इधर उधर आजू बाजू में देखने लग गया। इन डिसमे, डिसमे मतलब डिसअपॉइंटमेंट मतलब दुख, उसको दुख हो गया देख के, क्यों, क्योंकि उसने तो सुना था कि लंदन में इधर उधर क्या पड़ा है, सोना, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, चलो देखते हैं। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, वो उसने खुद से ही क्वेश्चन किया कि जो अच्छा सा फाइन गोल्ड था वो कहाँ पे है, वेयर है, वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, जो सब गोल्ड था कहाँ पे। ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट, उसने सब जगह देखा, सब जगह डर्टी स्ट्रीट लग रहा था। स्ट्रीट यानी एक गांव या एक एरिया, बराबर। तो जो एरिया था वहां का, उस डर्टी लग रहा था, गंदा लग रहा था, ठीक है। आगे क्या बोला है, एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, और वहां पे अनफ्रेंडली पीपल थे मतलब जो अच्छे लोग नहीं थे, बुरे लोग वहां पे थे। ही हैड नाउ हियर टू स्लीप, अभी उसको वहां पे सोने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एले वेयर ही होप ही वुड कम टू नो हार्म, ठीक है। तो वो इधर उधर ढूंढने लगे कि कहाँ पे उसको सोने के लिए जगह मिलेगी, क्योंकि अभी नाइट तो गुजारना पड़ेगा, रात हो चुकी थी, ठीक है। तो वो क्या गया, एक एले के कॉर्नर में जाके सो गया, ठीक है। एले मतलब दो बिल्डिंग जो रहती है ना, दो बिल्डिंग के बीच वाली जो जगह रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वो जगह को बोलते हैं एले, ठीक है। तो वहां पे वो सो गया, उसको आशा थी, वो बोला है वहां पे ही होप ही वुड कम टू नो हार्म, उसको आशा थी कि वहां पे कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, बराबर, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राम में क्या दिया है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह क्या हुआ, डिक वोक अप कोल्ड मिसरेबल एंड वेरी हंग्री, ठीक है। तो दूसरे ही सुबह क्या हुआ कि डिक बहुत हंगरी हो गया था, मतलब बहुत भूख लगी थी, और मिसरेबल हो गया था, दुखी हो गया था, अपसेट हो गया था, कोल्ड यानी ठंडा हो गया था, बराबर। लंदन में बहुत ठंडी रहती है, तो बहुत
कोल्ड महसूस कर रहा था, मिसरेबल दुख हो रहा था उसको, और बहुत हंग्री भी था क्योंकि उसको बहुत भूख लगा था। नेक्स्ट क्या बोला है, ही वंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड। बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है। तो वो वंडर्ड अराउंड मतलब इधर उधर देख रहा था कोई भीख देगा क्या, किसकी भूख चाहिए थी उसको, फूड की, कोई खाने के लिए कुछ देगा ऐसा वो इधर उधर देख रहा था। बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, पर वहां के जो लोग थे, इसके पहले ही बोला है इसके पहले पैराग्राफ में के वहां के अनफ्रेंडली पीपल थे, यानी अच्छे लोग नहीं थे, तो वहां के पीपल उसके ऊपर चिल्लाते थे, बराबर, शाउटेड मतलब चिल्लाना, ठीक है। तो वहां पे बोला है कि वो चिल्लाते थे और क्या बोलते थे, गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू, ठीक है, तो यहां से भाग जाओ, मतलब यहां पे मत रुको, ठीक है। किसी के प्यास भी खाने के लिए मांगने के लिए जाता हो तो उसको बोलता था कि यहाँ पे मत रुको, यहां से भाग जाओ, यहाँ पे दूसरी जगह जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते थे। एंड एम्ड एंग्री ब्लो एट हिज हेड, ठीक है, तो उसके गुस्सा होके उसके हेड पे कुछ मारते भी थे, ठीक है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। बी और क्या बोला है, एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट, कोलैप्स मतलब टूटना, बराबर, तो उस स्ट्रीट में वो कोलैप्स हो गया। एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फीड, फूड, ठीक है। तो इधर उधर फिर भी देख रहा था कि कोई फूड देगा कि नहीं, तो थोड़ा बहुत वो तो कोलैप्स हो गया था, मतलब बहुत टूट चुका था, मतलब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी या फिर ताकत नहीं बची थी कुछ करने के लिए। तो कुछ चलते चलते कुछ देख रहा था कि कोई खाने के लिए देगा क्या नहीं देगा, ऐसा चल रहा था इधर उधर देख के, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवेरन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर फिट्जवेरन, आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। तो ये जो डिक है वो फॉलन मतलब गिर गया, कहां पे गिर गया, इन फ्रंट ऑफ हाउस, किसी के घर के सामने गिर गया, किसका घर था, ये रिच मर्चेंट का घर था, ठीक है, जिसका मर्चेंट यानी व्यापारी रहता है, ठीक है, जो व्यापार करता है ट्रेडिंग करता है तो उसको मर्चेंट बोलते हैं। तो ये जो रिच मर्चेंट है जिसका नाम है मिस्टर फिट्जवेरन, उसके घर के सामने वो गिर गया, ठीक है। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे, वहां पे जो कुक था, एक्चुअली वो कुक लड़की है, आगे जाके आपको पता चलेगा, वो कुक जो है उसने उसको जो डिक है उसको वहां से भगाने की कोशिश की, ठीक है। व्हेन मिस्टर फिट्जवेरन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स, अपने शिप्स जो है वो शिप्स में ट्रेडिंग करते थे जो मिस्टर फिट्जवेरन है, ठीक है, तो अपने शिप्स को इंस्पेक्टिंग करके आए थे, मतलब वहां पे देख के आए थे कि कैसे काम चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है कि नहीं, वहां से देख के आ रहे थे, तभी ये डिक उसके घर के सामने गिर गया था, ठीक है। और वहां की कुक जो है वो उसको भगाने की कोशिश कर रही थी, और उसी समय ये मिस्टर फिट्जवेरन वहां पे आ पहुंचे। अभी उन्होंने क्या किया, ही स्टॉप एंड सेड टू डिक, अभी वो वहां पे रुक गया और डिक को उसने बोला, क्या बोला, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, अगर खाने की जरूरत है तो काम क्यों नहीं कर लेते, ऐसा मिस्टर फिट्जवेरन ने उसको सवाल किया। अभी अपना डिक जो है, डिक विटिंगटन क्या आंसर देता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, आई वुड वर्क, मैं काम करूंगा, सेड डिक, डिक बोला, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, पर मुझे कोई काम करने के लिए देता ही नहीं, ठीक है। डिक बोल रहा है कि मैं काम जरूर करना चाहता हूं पर कोई मुझे काम करने के लिए देता ही नहीं, ठीक है। अभी मिस्टर फिट्जवेरन नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसमें, तो टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवेरन ऑर्डर्ड द कुक को ऑर्डर किया मिस्टर फिट्जवेरन ने, क्या बोले कि टेक हिम इनटू द किचन, इसको किचन में लेके जाओ, फीड हिम फर्स्ट, उसको पहले खाने के लिए कुछ दो, एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और उसके लिए कुछ काम फाइंड करो, ढूंढ लो कुछ काम, इसको काम दे दो कुछ, ऐसा कुक को उसने ऑर्डर दिया, किसने, मिस्टर फिट्जवेरन ने, जो कि रिच मर्चेंट है, बराबर, अमीर आदमी है एक, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, सो डिक वॉज गिवन अ होम, अभी डिक को अपना घर मिल चुका था,
एंड अ लिविंग, वहां पे रहने भी लग गया। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। ठीक है, तो उसको क्या क्या हुआ, वहां पे रहने के लिए घर मिल गया, वहां पे रहने लग गया वो, और उसको वहां पे एक छोटा सा कॉर्नर मिल गया। कहां पे, एटिक पे। आपको पता रहेगा एटिक यानी अपने घर के ऊपर एक छोटा सा माला रहता है, बराबर, मतलब थोड़ी सी जगह रहती है घर में ही, जैसे कि पुराने जो घर रहते हैं गांव में, आपने देखा होगा थोड़ा बहुत ऊपर कुछ सामान रखने के लिए जगह करते हैं, उसको बोलते हैं एटिक। ठीक है, तो वहां पे सोने के लिए एक कॉर्नर में जगह दे दी किसको, डिक को। ठीक है, तो वहां पे वो सोने लग गया होगा। एंड हिज जॉब, उसका जॉब क्या था, तो ये जो कुक है उसको अपने काम में मदद करना, मतलब कुक जो भी काम बोलेगा वो काम करेगा, कौन, डिक। ठीक है, तो डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। अभी पहले से डिक का लाइफ अच्छा हो गया था, पहले तो उसको इधर उधर खाने के लिए ढूंढना पड़ता था, पर अभी वो कुक के साथ काम करे तो उसको खाने का कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं, और रहने के लिए जगह भी मिल गई, तो वो खुश था। बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस। फिर भी उसके पास दो डिफिकल्टीज अभी भी बची थी। ठीक है, कौन सी वो दो डिफिकल्टीज है, नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स में दिए हैं उन्होंने। ठीक है, पर आगे का भाग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाएंगे आप। ठीक है, बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही तक रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सेकंड वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।